हाय एवरीवन, दिस इज़ युक्ति बेलवाल. जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं इस वक्त यूक्रेन में हूँ और यूक्रेन की काफ़ी यूनिवर्सिटी हम लोग अपनी वीडियोस में कवर करते आए हैं. लेकिन आज जिस मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मैंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि हम लोग आज तक जितनी भी यूनिवर्सिटी दिखाते आए हैं उसका कैंपस जो होता है वो मतलब वेल, जैसे कहते हैं कैंपस नहीं होता, यूनिवर्सिटी अलग होती है, हॉस्टल अलग होते हैं. लेकिन ये तरस शेवचेंको यूनिवर्सिटी जो कीव की यूनिवर्सिटी है, ये बिगेस्ट कैंपस है यहाँ पे. हमें बताया गया कि यहाँ पे मोर देन 20 बिल्डिंग्स जो हैं केवल हॉस्टल्स के लिए ही हैं, और टोटल इस यूनिवर्सिटी की 54 बिल्डिंग्स है, जिसमें इनके मेडिकल वाली बिल्डिंग भी आती है, और उसके अलावा और अदर जो ये लोग पढ़ाते हैं फैकल्टीज, वो वाली बिल्डिंग्स आती हैं. सो अभी हम एक हॉस्टल के बिल्डिंग आपको दिखाएंगे. हमने ऑलरेडी कल इसके इंटीरियर्स को देखा था, और आज हम देखेंगे इसके कैंपस में एक्चुअली क्या क्या है. सो ये आप जो देख रहे हैं, ये जो जितने भी लोग जा रहे हैं, पूरा कैंपस है. मैं आपको ऑफकोर्स पूरा तो नहीं दिखा सकती, बट इट्स वेरी वेरी बिग. ओके, इट्स समथिंग विच मैं भी शायद नहीं एक बार में देख पाऊँगी, पर हमें जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं वो वाला हॉस्टल हम आपको दिखा देते हैं. आइए. ये पूरा स्टूडेंट्स ही हैं जो अंदर हैं, तो स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, और कोई भी यहाँ पे अलाउड नहीं है. इसका आप देख सकते हैं डॉर्मेटरी 13, यानी कि 13 तो है ही, और 13 में हमारे जो स्टूडेंट्स इंडियंस रह रहे हैं वो इसमें रह रहे हैं हॉस्टल में. इट्स अ वेरी फाइनेस्ट हॉस्टल आई हैव एवर सीन इन यूक्रेन. यहाँ पे आपको बच्चे को लिए लॉन्ड्री सिस्टम है, फ्रिज सिस्टम है, सब कुछ जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया हुआ है, और रेनोवेटेड रूम्स तो इतने ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई होटल जैसा होता है वैसा लग रहा है. आइए कुछ और चीज़ें यहाँ पे देखते हैं. बहुत ज़रूरी है, आप देखिए यहाँ पे जो है बास्केटबॉल दो बच्चे खेल रहे हैं, विच इज़ फ्री, मतलब आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं यहाँ पे. देखिए बच्चे, और क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का कैंपस ही इतना बड़ा, तो सब कुछ कैंपस के अंदर है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ रहा. यूनिवर्सिटी ने इतनी फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए दी है, यहाँ पे जिम है, यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे आपका जो है बिलियार्ड्स कहते हैं वो वाला पूल भी है, यहाँ पे आपका बास्केटबॉल फील्ड है, आपका टेनिस फील्ड है, वहाँ पे हम देख सकते थे अभी कुछ गर्ल्स प्ले कर रहे हैं. सो बिकॉज यूक्रेनियंस आर नोन फॉर बीइंग फिट एंड यू नो टेकिंग केयर ऑफ देयर फिजिकल एक्टिविटीज़ टू, सो ऐसे ही जो अगर इंडियंस यहाँ पे आते हैं तो वो भी इन सब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ग्रीनरी का तो मैं कुछ ग्रीनरी तो मैं आपको बताती हूँ हमेशा कि ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है यूक्रेन में. ये जो पूरा है एरिया, किसी भी यूनिवर्सिटी को आप जब सिलेक्शन करते हैं तो आपके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, वहाँ की फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. तो देखिए फैसिलिटीज़ के नाम पे इस यूनिवर्सिटी में सबसे हाई फैसिलिटी अवेलेबल है अभी तक के हमारी जितने भी हमने रिसर्च करी है आज तक. हमारा देखिए जो मेन एम है अभी तक यही है कि आप अगर इतनी दूर अपनी कंट्री से बाहर आके किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा फैसिलिटी वाली यूनिवर्सिटी आपको चूज़ करने को मिले. तो यहाँ पे ये है, बहुत स्टूडियस इन्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स आते हैं. अभी देखिए यहाँ पे बहुत कम चहल पहल, रीज़न बीइंग क्लासेस अभी चालू हैं यहाँ पे, अराउंड 4 or 5 बच्चे फ्री होंगे, देन दे विल कम बैक हियर. तो दैट्स वाई दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग कि इतने बड़े लेवल पे यूनिवर्सिटी है. दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन, एंड यहाँ से जो फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ यूक्रेन है वो पास आउट हुए थे, और भी बहुत सारे एमिनेंट लीडर्स यहाँ से पास आउट है, ग्रेजुएट्स हैं यहाँ के. तो यहाँ का लेवल ही बहुत अलग है. और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में. यहाँ का जो मेन बिल्डिंग है जो कि बहुत इस लैंडमार्क ऑफ यूक्रेन, वहाँ भी जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि कैसा माहौल यूनिवर्सिटी में है.
बिकॉज़ ये सारा कैंपस इस तरह से बनाया गया, डिज़ाइन किया गया है ताकि जो बच्चे जिस तरफ जिस भी फैकल्टी में पढ़ रहे हैं, जिस बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी वॉकिंग डिस्टेंस हो। यहाँ पे जो हम मेडिकल फैकल्टी में भी जा रहे हैं, जहाँ पे बच्चों की आज से क्लास लग रही है, वो केवल यहाँ से 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है, जो कि स्टूडेंट ने खुद बताया। तो उनको क्लास अटेंड करना ईजी रहता है, टाइमली वो आते हैं यहाँ पे, पढ़ाई करते हैं अपनी क्लासरूम से, और अगर उन्हें कोई इमरजेंसी वो आराम से वापस भी आ सकते हैं। सो देखते अभी रियली 5 मिनट्स में क्या है क्या नहीं। स्टूडेंट्स ने हमें ऑलरेडी ये बात बताई थी तो इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। बट रियली दिस इज़ द वेरी अमेजिंग थिंग दैट आई हैव एवर सीन इन द यूनिवर्सिटी। वन वुड रियली लव टू स्टडी हियर।